गाइस गाइस आपको पता है मैं अभी जॉगिंग के लिए निकला हूँ गांव से। ये मेरा घर है गांव का, ये मेरे गांव का घर है। यहाँ का जितना भी आप जमीन देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये मेरा है और ये मेरा छोटा सा घर मकान। यहाँ पे मेरी गाय बैल बकरी बैल और भी बहुत कुछ है जिससे हम दूध निकालते हैं, अंडा निकालते हैं और बेचते हैं। और पूरा गाँव वाली फीलिंग आ चुकी है आपको। कैसन है गा तो ये रुक रहे पकड़ू देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो मुझे आई होप आप अच्छे होंगे और मस्ती में रहोगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं महादेव घाट से। अब हम लोग इस व्लॉग में कहीं दूसरी जगह जाने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में देखा था आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तो आपको मिला ना तो करे इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। गाइस अभी मैं एंटर कर चुका हूँ रायपुर मेन सिटी में। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं मुक्तांगन। तो गाइज मैं आपको जो बता रहा था, हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी जगह जाने वाले, तो उनमें से एक हम लोग पहुंच चुके हैं मुक्तांगन। तो यहाँ का हम लोग आज घूमने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं कैसा है मुक्तांगन। भीड़ तो बहुत है यार, मैत्री गार्डन जैसे लग रहा है एकदम। बस टिकट है क्या? टिकट तो हो गई शायद, वो देखो वहाँ पे है टिकट। चलिए गाइज पहले हम लोग कार पार्क करवा देते हैं पापा के द्वारा, उसके बाद हम लोग चलते हैं मुक्तांगन टिकट लेते हुए अंदर। काफी लंबी दूरी तय करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मुक्तांगन। और रास्ते का मैं आपको एक बार व्यू दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। यहाँ पे आपको एक बार नेविगेशन भी पता चल जाएगा, आप देख लेना, मैं दे दूंगा आपको लोकेशन, तो आप भी आ सकते हैं मुक्तांगन। और एंट्री गेट यहाँ पे टिकट लगता है, तो टिकट ले लेते हैं पहले हम लोग। देख सकते हो गाइस मेरे पीछे अभी मुक्तांगन, तो पहले इसका हम लोग टिकट का प्राइस पता कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे कैमरे का टिकट लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ फ़ोन को अंदर डाल देता हूँ, उसके बाद चलते हैं। पहुँच गए हम लोग अंदर, कैमरा को मैंने बंद कर दिया था इसलिए उसका पैसा नहीं लगा, वरना कैमरा और स्टैंड को तो मैंने अंदर रख दिया, ट्राईपॉड को। चलिए अब अंदर चलते, किधर से इधर से किधर से, सब तो इधर से जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कैसी कलाकृति की गई है आदिवासी वन। उधर देखिए वहाँ पे अवार्ड रखे गए हैं क्या, एम्पोरियम। चलिए दिखाते हैं आपको बैगा चौक, बैगा चौक है ये। वाह, सबरी एम्पोरियम, सबरी एम्पोरियम छत्तीसगढ़ बोइड बोडी रायपुर। बंद है, बंद है, लॉक है यहाँ पे गाइस, लॉक लगा है। एक बार आप बाहर से देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कलाकृति के रखे गए हैं आदिवासी जनजीवन के तहत। अब चलते हैं हम लोग अंदर। बहुत इस तरफ बोर्ड में लिखा है शिल्प ग्राम, और इस तरफ जाने पे ये क्या लिखा है, दंड मीडिया पथ। वाह यार, वाओ गाइस क्या मस्त है यार, इतना सुंदर व्यू है यहाँ पे, आदिवासी है ये सब। गाइस अब फोन को स्टिक में फंसा लेता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। एरिया यहाँ का बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर व्यू भी है, और माहौल भी बहुत ही शांत है। और धूप भी देखिए सीधा मेरे मुंह पे पड़ रही है, बहुत ही अच्छा व्यू भी आ रहा है पीछे का। ग्रीनरी पे भी यहाँ पे बहुत ध्यान दिया गया है, और हरी हरी घास, हरा हरा माहौल, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमें यहाँ पे घूमने में। हमारी रन्नू बेबी तो मस्त अपना ही खेल रहे हैं उन लोग, क्योंकि यहाँ का और बहुत ही बड़े एरिया पे ये फैला हुआ है। पीछे हम लोग कितने दूर से आए हैं यहाँ गाइस, उधर देखिए, इसे कहते हैं गेड़ी नृत्य, जो हरेली में किया जाता है। हरेली एक ऐसा त्यौहार है जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है बहुत ही, और उस दिन ऐसा नृत्य किया जाता है, ये जो डंडी में आप देख रहे हो ऐसे चढ़ के गाना बाजा,
लोग ऐसे घूमते हैं पूरे शहर में। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं वहाँ से कूद के आया था। यहाँ पे कितना सुंदर घास है और पीछे मेरे इतना अच्छा बढ़िया व्यू, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। झूला बहुत सुंदर है ना, पहाड़ पहाड़ बने यहाँ पे ऐसे। वाओ गाइस कितना बढ़िया व्यू है। गाइस ये तो देखो यार, यहाँ पे ये देखो गाइस क्या है यहाँ पे, ये शायद फाउंटेन टाइप का था, स्विमिंग पूल नहाने के लिए। अंदर में गड्ढा है और भी, और उधर भी है वो देखिए। तो मैंने जैसे आपको बोला, ये पूरा ही छत्तीसगढ़ की जानकारी के ऊपर बना गया है, छत्तीसगढ़ के ऊपर ही है। और यहाँ पे फिश भी है यार, बहुत बड़ी बड़ी फिश है यहाँ पे, मस्त है ना, सुंदर। वाह चलो आगे चलते हैं और भी थोड़ा घूमते हैं, अभी तो यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, बस इतना ही नहीं है। पानी है यहाँ पे। गाइस आपको पता है, हमने तो बहुत बता दिया, लेकिन अब आप भी बताइए आपको कितना पता है छत्तीसगढ़ के बारे में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा नृत्य बोला जाता है इसे। ये वही वाला है बेबी। वाह यार यहाँ पे बहुत कुछ मस्त है यार। वो वाला नृत्य हम लोग देखे थे ना, ये वाला जो है वहाँ पे ना, हाँ पंथी नृत्य, ये हमने वहाँ पे देखा था जब छत्तीसगढ़ निर्माण में फंक्शन हो रहा था ना। नहीं नहीं छत्तीसगढ़ निर्माण जब फंक्शन था ना, तब यही वाला नृत्य हमने देखा था। वो वाला उधर भी ले जाएंगे हम लोग। ये है राउत नाचा, ये दिवाली के दिन किया जाता है, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा के टाइम राउत नाचा किया जाता है। बढ़िया है यहाँ का भी व्यू। अरे बाप रे, डंडा वंडा लेके मारोगे क्या मेरे को? आगे चलते। ये है सुआ नृत्य, ये देखिए गाइस, ये है मेरे पीछे अभी सुआ नृत्य। चलिए तो अंदर भी चल के देखते यार। हमारे बच्चे लोग को देखो, हम लोग भी करेंगे। आंटी जी तो कुछ गाना भी नहीं आता मेरे को, थोड़ा थोड़ा भी अच्छा नहीं आता। यहाँ पे देखिए गाइस कितना बढ़िया है व्यू यहाँ का। से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ दे रही है, तो हम हाथ मिलाएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो चलो वो भी कमेंट करके बताना आप। वाओ गाइस ये वाला कौन सा नृत्य है एक बार कमेंट करके बताना, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कर देना। ये आपके लिए है, ये हमको भी नहीं पता है इतना, तो ये वाला नृत्य नहीं समझ में आ रहा, हमको नहीं पता है, पर आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना, हमें भी जानकारी मिल जाएगी आपसे। वाह यार यहाँ पे ऐसे पहाड़ पहाड़ बहुत है, दौड़ के चढ़ता हूँ। गाइस ये देखो अभी हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ पे पिल्लर्स ही पिल्लर्स हैं, और ये पिल्लर्स का भी कोई महत्व होता होगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कलाकारी की गई है। बहुत ही मजा आ रहा है, मेरे आजू बाजू आप एक बार देख लीजिए। और ये देखिए बीच में, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो आप, समझ रहे हो आप, कमेंट करके बताओ अगर समझ रहे हो, मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मिट्टी का शेप दिया जा रहा है, यहाँ पे मिट्टी के घड़े बनाए जा रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे कलाकारी दिखाई गई है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में जो पारंपरिक किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका। और पीछे देखिए, आप वीडियो को एक बार पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, मम्मी पापा कहाँ गए? अच्छा उधर है। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं, आप अगर उधर से सीधा आते रहोगे तो ये मिलेगा आपको, और आजू बाजू आपके पूरे गार्डन है पूरा। मम्मी पापा बोल रहे जल्दी जल्दी चल, बहुत कुछ है यहाँ दिखाने के लिए। ये देखिए पेड़ ही पेड़ पीछे, सामने देखो सामने अभी मेरे को दिख रहा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ गाइस, रुकिए।
थोड़ा वेट करिए यार, इतना जल्दी क्या है, तब तक वीडियो को लाइक तो करो यार, अभी तक किए नहीं तो चैनल पे न्यू तो कर दो सब्सक्राइब। धूप भी बहुत सुंदर आ रही है, फिर भी मैंने जैकेट डाल लिया है ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि टाइम तो लग जाएगा, करीब एक घंटा लग ही जाएगा घूमने में। ये देखो सामने, देखो गाइस, इधर देखो गाइस, बहुत ही बढ़िया। इस जगह का नाम सिंह ड्योड़ी है और ऐसा गेट है यहाँ का एंट्रेंस, क्या जबरदस्त बनाया गया है गाइस। और यहाँ पे आपको मैप भी मिल जाएगा जो थोड़ा सड़ गया है, अभी तो नहीं समझ में आएगा, पर इसमें जितना भी नाम दिया गया है ये यहाँ जगह है घूमने के लिए। चलो गाइस अब इसके अंदर चलते हम लोग, और ये देखो मेरे पीछे इसका एंट्रेंस गेट है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ का व्यू भी, फोटोग्राफी और फोटो शूटिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है ये जगह। ये देखो गाइस पीछे हमारे बहुत सारे आर्ट्स की गए हैं, बहुत ही बढ़िया है यार, मैदान ही मैदान। मेरे पीछे एक बार डोर देखो, उस साइड से तो डेकोरेट ही था, पीछे मेरे इस साइड से भी डेकोरेट है। चलो अब चलते हैं आगे और थोड़ा घूमते हैं हम लोग। कहाँ घूम रही हो तुम बेबी, अपना अकेले अकेले घूम रही है। ये देखो गाइस नारायण पाल मंदिर, ये इसका स्टैचू बनाया गया है, और इसका मेन मंदिर जो है वो सिरपुर में है, सिरपुर अंदर में भी है शायद घूमने के लिए। मम्मी डर लग रहे हैं, हटो। वाओ गाइस बहुत अंधेरा है गाइस, अंदर बहुत अंधेरा है, नहीं जाते, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, चल बाहर आ जाओ चुपचाप से, मत जाओ मकड़ी या जाला मिलेगा। गाइस बहुत ही बढ़िया, वहाँ पे देखो ऊपर चढ़ने के लिए, वहाँ चलते हैं, वो तो है चढ़ने को, वहाँ पे उल्टा कैसे घूम रहे हो, मजा आ रहा है गाइस, जहाँ जो दिख रहा है वहाँ घूम ले रहे हैं। गाइस ये देखो ये गांव का घर है, पूरा गांव का टाइप का बनाया गया है इसे, अंदर चले, चलो गाइस अंदर चलते हैं, चलो 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 चलो। वाह यार इसका देखो पिल्लर को भी डेकोरेट किया गया है, चलिए चलते हैं अंदर। क्या कर रही हो बेबी, हाय बोल रही हूँ, एक बार खड़े हो जा, बैठ जा। वाह लकड़ी के दरवाजे और कुर्सी, बहुत ही सुंदर। घोटुल, इस जगह को बोलते हैं घोटुल, ऐसा जो घर रहता है इसे बोलते हैं घोटुल, घोटुल। यहाँ पे इसी टाइप के बहुत सारे घर हैं अंदर, आजू बाजू पूरा आप देख सकते हो। कहाँ बैठेगी, वाओ गाइस पीछे ऐसा पूरा बनाया गया है ऐसे घर टाइप का, क्या है होल है क्या, चल झांकते हैं। वो देखो वहाँ पे हाथी भी है गाइस। गाइस अब तो सब बिजी हो गए, मैं अपना व्लॉगिंग में, सब लोग अभी अपना रील बना रहे हैं और मैं अपना व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, तो मेहनत के लिए लाइक तो बनता है यार। बेबी को देखो गाइस चढ़ गई, हाँ यार इसमें मुर्गी को रखते हैं, मैं भी चढ़ के देखूँ बेबी, बेबी को भी रखेंगे, टूटेगा तो नहीं ना, वाह अरे बाप रे, ये टूट ना जाए बेबी, लकड़ी है पागल, बहुत मजबूत होती है लकड़ियाँ मजबूत होती है, इतना तो मेरे को नहीं पता था, अरे मैं तो घिस गया। वाह यार का मम्मी सुनो ना, ऐसा घर बना दो ना प्लीज, ट्री हाउस बना दो यार, मम्मी प्लीज यार ऐसा ट्री हाउस बना दो यार घर के अंदर। मस्त जोक मार रे, ये हंस रे हलकट हंस, पापा छत पे ऐसा ट्री हाउस, मेरे यहाँ पास वीडियो बना
पापा मेरे तो छत पे ऐसी ट्री आ रही है, मेरी तो यही विनती है कि 1000 कुछ भी लाइक हो जाए ना तो मैं इस छत में यही घर बना लूं। हाँ भाई, यहाँ पे फोटो शूटिंग के लिए भी ऐसे मस्त स्टैचू बने हुए हैं जिसमें हम फोटो शूट कर सकते हैं। चलो हम भी करके देखते हैं एक बार। मेरे हाइट में छोटा आ रहा है बहुत, आदमी वाले में खड़े हो तो। गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं बताओ एक बार कमेंट करके। वाह, एक बार फोटो भी ले लो पापा, अब मम्मी और पापा भी। वाह वाह यार, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर दिख रहे हो। उसमें भी करेंगे गाइस, उसमें भी, इसमें पापा का साइज ही अच्छा है। बेबी तू हट ना, पापा को पापा बेबी ढोलक में चढ़ी है। चलो पापा, बाप हट जा बेबी, पापा को देखो गाइस। वाह, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा ही रखो उसमें। हाँ परफेक्ट 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 गाइस, एक नंबर दिख रहे हो। और पापा आप भी कमेंट करके बता देना एक बार। चलो अब चलते हैं, घूमते घूमते हम लोग इतना थके नहीं है, लेकिन अगर यहाँ सुबह से आओगे तब आपको टाइम मिलेगा घूमने के लिए। हम लोग तो लेट आए थे अभी अभी, इसलिए हम लोग इतना घूम नहीं पा रहे, सब देख नहीं पा रहे, लेकिन अगर आप सही टाइम पे आओगे सुबह सुबह पिकनिक के नाम से तो आप सही से घूम पाओगे। इधर से जाएंगे तब भी पड़ेगा भाई, फिर व्यू नहीं मिलेगा अच्छा। हाँ उधर का ले लिया, अब इधर का भी दिखा दूं मैं आपको एक बार। पीछे देख लो मेरा कैसे लग रहे हैं आप, और यहाँ पे देखिए पेड़ का काम चल रहा है। मैं आपको दिखाऊं, मेरे आजू बाजू पूरा पेड़ उगाया गया है और इसका काम चल रहा है। उसमें बहुत अच्छे से खाद पानी भी दिया गया है, किया गया है। मैं भी फोटो खींचवा लूं यार मम्मी। गाइस यहाँ पे अभी और भी काम चल रहा है, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ एक बार। वहाँ पे जो है ना मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा सा, और यहाँ पे देखिए लकड़ी का घर, मिट्टी का घर और बम्बू का घर, सब तरीके का घर दिखेगा आपको। हाँ वहीं से तो मैं बोला था तुम लोग को, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो और आ जाएंगे किसी दिन सबको। अभी शॉर्ट्स वीडियो रील सब बनाने, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है ना, तो आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आप भी यहाँ आ सकते हो और यहाँ पे बना सकते हो। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है घूमने में, मैं तो एकदम खुश हूँ यार। कहीं भी चले जाओ मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है, बस मेरे को चाहिए घूमने के लिए और पेट भर खाना बस, फिर उसके बाद मेरा एनर्जी एकदम फुल। और किसी को और क्या चाहिए? हाँ फिर सबको यही चाहिए, बस फिर मेरा एनर्जी फुल, उसके बाद घूमने में कोई दिक्कत नहीं। गाइस गाइस आपको पता है मैं अभी जॉगिंग के लिए निकला हूँ गांव से। ये मेरा घर है गांव का, ये मेरे गांव का घर है। यहाँ का जितना भी आप जमीन देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये मेरा है और ये मेरा छोटा सा घर मकान, और यहाँ पे मेरी गाय भैंस बकरी बैल मुर्गी और भी बहुत कुछ है जिससे हम दूध निकालते हैं, अंडा निकालते हैं और बेचते हैं, और हमारा यही कारोबार है। पूरा गाँव वाली फीलिंग आ चुकी है हमको। कैसन है गा तोल, ए रुक नोनी, नोनी ला पकड़ू, देखो ला पकड़ू, रुक जा, दौड़ो दौड़ो गाइस दौड़ो, रुको नोनी, ते तो गई, ते तो गई नोनी। मैं कैमरा को अब अंदर रख देता हूँ क्योंकि अब मैं बाहर आ चुका हूँ, वरना फिर बोलेंगे कैमरा कैसे अंदर लेके गए, स्टिक कैसे लेके गए, सब चोचला है बाजी। तो मैं भर लेता हूँ अंदर, फिर उसके बाद सीधा बाहर मिलके आपको गेट के पास मिलता हूँ। अब चलते हैं हम लोग बाहर, मोबाइल मैंने कर लिया अंदर, स्टिक कर लिया है, मम्मी ने स्टिक अंदर रख लिया, मैं हाथ से पकड़ूँ अब मोबाइल को अंदर रख लेता हूँ। ये वाला व्यू तो आपने देखा ही होगा, तो चलिए अब बाहर चल के हम आपसे मुलाकात करते हैं। मुला और मिला को जोड़ के हमने मुलाकात बनाया है। वाह गाइस, बेबी ने कॉटन कैंडी ले लिया, बेबी ने देना गाइस। बुढ़िया का बाल बोलते थे हम लोग इसको बचपन में। गाइस हम लोग अभी कार के पार्किंग के पास चल रहे, बैठ गए कार में हम लोग अभी। अब चलिए निकलते हैं यहाँ से, हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब इसके बाद वो भी पता चल जाएगा आपको, वीडियो में देखते रहो बस। लेकिन वेट अ सेकंड, ये वीडियो यहीं एंड हो रहा है, तो दूसरे वीडियो में देखना, अभी नहीं देखना। तो इस वीडियो को करने जा रहे हैं हम लोग यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, वीडियो को अगर आप लाइक कर दोगे, चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको अगर आप दबा दोगे तो लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे गाइस।
आते रहेंगे। और इसके बाद जो होने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होने वाला, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट कीजिए, दिल से प्यार दीजिए गाइस, दिल से प्यार दीजिए और बस सपोर्ट करिए हमें। इतना ही बोलना चाहूँगा, प्लीज गाइस, बहुत मेहनत लगती है और बहुत खर्च भी होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय। और आपको दिखाने के लिए इतना तो कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी खुशी के लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कर दीजिए गाइस, कर दो प्लीज, 1K चाहिए हमको। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।